अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैनरी टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये स्टार सेट का रिसीवर है SR-S25HD, ठीक है, डिजिटल सैटेलाइट रिसीवर है, HD रिसीवर है। तो ये इसकी HDMI, USB और LNBN ऑडियो वीडियो, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट क्या है कि ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। इसकी रेड लाइट जो है ब्लिंक करती है बस, इसके अलावा कोई रिस्पांस नहीं देती। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, रेड लाइट इसकी ब्लिंक करती है बस, वो एक दफ़ा ब्लिंक करती है बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसकी एक रेड लाइट बस ब्लिंक करती है, इसके अलावा कोई सेट है जो रिसीवर है वो ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो बहरहाल चलो, मैंने कवर को रिमूव किया हुआ है, तो मैं इसको देखता हूँ। तो जी, ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड है, ठीक है। ये इसका दूसरा बोर्ड लगा हुआ है, मेन बोर्ड है। तो इसकी पावर सप्लाई जो है वो आउटपुट दे रही है हमें 20 वोल्ट, 15 ग्राउंड और 5 वोल्ट, ठीक है। ये 3 वोल्ट हमें मिलने चाहिए। तो इसकी 3 सप्लाई हैं, ठीक है, 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट हैं, इसके साथ 15 वोल्ट हैं, फिर ग्राउंड है और इसके अलावा 5 वोल्ट हैं, ठीक है, स्टैंड बाई के 5 वोल्ट हैं। तो भरत चलो, इसको देखते हैं कि आखिर इसमें फॉल्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करेंगे, इसको पावर देते हैं, इसके आउटपुट, ये हमें बोल रहे हैं 29, ठीक है, इसके साथ 21, ठीक है। तो इसके साथ 2.5, जहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए वो 5 वोल्ट या वो 2.5 वोल्ट हमें दे रहा है। तो हमें जब तक 5 वोल्ट स्टैंड बाई के वोल्ट पूरे नहीं मिलेंगे तो सेट हमारा ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, पावर को, पावर के अक्सर इसमें फॉल्ट जो कैपेसिटर का फॉल्ट होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखने में कैपेसिटर बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये जो 5 वोल्ट वाला कैपेसिटर है, ये 5 वोल्ट पे के ऊपर ऐड किया है, ये है 16 वोल्ट का, ठीक है। हम इसको चेंज करेंगे, देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, हम इसको चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कर लेंगे कैपेसिटर को। तो जी, ये मैंने इसको रिमूव कर लिया, ये 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो 16 वोल्ट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इसकी जगह पे हम ये ऐड करेंगे, जी मैंने ये लगा दिया इसको। तो ये हमें 5 वोल्ट जो है वो स्टैंड बाई के वो पूरे नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हमारा सेट रिसीवर है वो ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है। 2 पॉइंट कुछ वोल्ट मिल रहे थे जो कि स्टैंड बाई के लिए पूरे वोल्ट नहीं थे। तो अब हम इसको कर देते हैं,
इसको पावर देंगे। पावर देके पहले वोल्टेज चेक करते हैं इसे। सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। ये इसकी ग्राउंड, तो ये देख सकते हैं अब हमें वोल्ट मिल रहे हैं 5.4 वोल्ट। ठीक है, जब पहले कैपेसिटर चेंज करने से पहले यहाँ पे वोल्ट थे 2 पॉइंट समथिंग। ओके, तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट अब पूरे मिल चुके हैं, इसलिए हम इसको अब चेक करेंगे। ठीक है, ये मैं इसको, तो आप देख सकते हैं इसकी रेड लाइट ऑन भी ऊपर लिखा जा चुका है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ऑन हो गया रिसीवर। तो बस फॉल्ट इस कैपेसिटर का था, देखने में बिल्कुल ये ठीक नहीं लग रहा है, तो ये वोल्ट पूरे नहीं मिल रहे थे जिसकी वजह से ये हमारा सेट जो है वो ऑन नहीं हो रहा था रिसीवर। ठीक है, अब देख सकते हैं अभी ये इस वक्त ओके।